अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। इस वीडियो में मैं आपको, मैंने बताया था जैसे कि पिछली वीडियो में, कि मैं आपको पीसीस से जो है मुख्य चीज़ें फ्रॉक्स वगैरह बनाना बताऊंगी। तो इस वक्त मेरे पास ये पीस है जो कि हमारे एक बहुत अच्छी कस्टमर है, उनके कपड़ों से बचा हुआ था और उन्होंने मेरे पास ही रखवा दिया कि उनकी मैंने भतीजी का बनाना था। तो ये भी मैंने इन दिनों में निकाला है और ये बहुत अच्छा ब्रांडेड सूट है, आई थिंक गुल अहमद वालों का है। और बहुत प्यारा पीच एंड वाइट कलर है इसकी। इसके जो शर्ट से पीस बचे थे वो इस तरह के बचते हैं, देखें। जैसे आप कंधे की कटिंग करें और साइड से अगर आप एक साथ कटिंग करें तो एक बड़ा सा पीस आपको मिल सकता है जैसे। और ये भी शर्ट की जो लेंथ है उसके से कहीं निकला था, बाजू वगैरह के बाद शर्ट बचा था, उस तरह से ये बचा हुआ पीस है। अब इसको मिला के हम इसके एक पैनल वाला फ्रॉक तैयार करेंगे। और ये हमारे पास जो ट्राउज़र का कपड़ा है वो काफ़ी बचा हुआ है, इसमें से हम ट्राउज़र और योक जो है वो इसमें से रेडी करेंगे। और चलें तो फिर इधर से स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो ये जो बड़ा पीस है इसको देखिए, हम इसको, इसकी ये शेप है तो इसको हम स्ट्रेट कर लेते हैं। इसको ऐसे करके इसकी हम कटिंग करके इसको सीधा कर लेंगे इसको। और ये मैं पैनल के दरमियान में लगाऊंगी, इससे इसके साइड पे जो बाकी पैनल्स बनाएंगे उसकी हम जो है वो कटिंग करेंगे। तो इसको आप लाइन लगा के भी कर सकती हैं, फ्री हैंड अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप फ्री हैंड ऐसे स्ट्रेट कर लें। और इसके अलावा जो ये वाले पीस हैं, आप इनकी लेंथ पे डिपेंड करता है। वैसे तो मैं इसके हिसाब से बना लेती हूँ, फिर मैं देखती हूँ कि इसकी लेंथ कितनी आएगी। ये है हमारे पास 20 इंच और मुझे तकरीबन 24 के राउंड अबाउट मुझे एक फ्रॉक तैयार करना। तो इसके जो पैनल्स हैं वो हम इसमें से निकालेंगे। अब इसमें ये देखेंगे, ये नीचे से थोड़ा सा बॉर्डर का कपड़ा आ रहा, इसको निकाल देते हैं, ऐसे कट कर देते हैं। और इसके बाद इसको ऊपर नीचे बराबर रखते हुए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। ये जो साइड से कपड़ा निकलता है इसके इसी तरह से बनाया जा सकता है कि आप पैनल्स वगैरह डाल लें। और ये ट्रेंड में भी हैं और इससे घेर भी बड़ा अच्छा बनता है, फिटिंग भी बड़ी अच्छी आती है, तो स्टाइलिश है, एक फ्रॉक बन जाता है। हम इसमें थोड़ी बहुत जो है वो पिंचिंग या स्टिचिंग कटिंग से वॉक कर लें खुदो, और इसको हम इधर से कट कर लेते हैं सेंटर से। अब ये इस तरह के पैनल्स बन गए हैं और ये अभी भी कुछ ऐसा लग रहा है कि ऊपर नीचे सेट से नहीं है, इसको गेन सेट कर लेती हूँ। ये इसकी ऐसी मैं फ्री हैंड कटिंग कर रही हूँ विदाउट एनी मार्क। अब ये वाला जो है इसको हम दरमियान में रखेंगे और इसके साइड पे ये मेरे पास जो है वो कितने पैनल्स हैं, आई थिंक 2, 3, 4, 8 पैनल्स हैं। आप इस तरह से इसको रखें और एक साथ इसके इस तरह रखेंगे और इसी तरह से इसको ये वाली लुक देंगे और इसको एक रफ सा मैंने आपको स्टाइल बना दिया। इस तरह से करेंगे तो ऊपर से इसकी जो है ना वो योक के साथ हम इसको अटैच करेंगे, थोड़ी बहुत जितनी जनरेट होंगी इसमें से डाल के ये नीचे हमारा घेर हो जाएगा। इसमें आपको पास जितना कपड़ा हो उतना ही उसके अंदर ही रह के आपने काम करना होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं होती कि आप बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग करें या
बहुत ज़्यादा घेर का बनाए तो एक लिमिटेड से कपड़े के अंदर बनाना होता है। ये पैनल्स का एक हो गया और ये जो बचे हुए हैं पीसेस हैं इससे मैं स्लीव्स वगैरह कट करूँगी और इसी तरह के ये छोटे मोटे और पीसेस हैं इससे कहीं रेप पट्टी या कोई बो वगैरह लगानी होगी तो वो इससे रेडी करूँगी। और ये जो कपड़ा है जी ये ट्राउज़र का प्लेन कपड़ा जो है बचा हुआ है इसे हम ट्राउज़र और जो योक है वो निकालेंगे। ट्राउज़र के लिए मैं इधर से ये प्लेन कपड़ा उसका साइज पैदा कर लेती हूँ। ऊपर से इसको हम लेवल भी कर लेते हैं। अभी नीचे से थोड़ा सा इसको मेजरमेंट के हिसाब से इसको कम करके बल्कि इसको भी से मैं कटिंग कर देती हूँ। फिर इसमें थोड़ी हम छोटे बच्चों का है ट्राउज़र तो इसमें थोड़ी सी हम इधर म्यानी भी डालेंगे जो कि इस अंदाज की होती है। आपको आपको दिखाती हूँ इस तरह से तो इसमें फिर बच्चों को भागने दौड़ने में कपड़े तंग नहीं करता ट्राउज़र और सिलाई भी इसकी नहीं जाती है इधर से तो ये इसके म्यानी का पीस हो जाएगा। और इसमें से हम जो है इसकी योक की कटिंग करेंगे। ये जो कपड़ा बच गया है ट्राउजर की कटिंग के बाद इससे हम योक निकालेंगे और ये ट्राउजर से इधर से कटा हुआ है तो इसको मैं स्ट्रेट कर लेती हूँ पहले। ये योग फिलहाल तो लंबी मैं काट रही हूँ और जब मैं इसको स्टिच करूँगी तो मैं फिर इसको अपने मेजरमेंट के मुताबिक नीचे से शॉर्ट कर लूँगी। ये मैं एक इंच तकरीबन इधर से एक्स्ट्रा रख रही हूँ, एक से डेढ़ इंच भी आप रख सकते हैं। ऊपर आप कपड़ा लगा के भी उसको फोल्ड कर सकते हैं और नीचे से भी इसको आप करेंगे और उसको खुद भी टर्न कर सकते हैं। उसके लिए हमें ज़्यादा कपड़ा रखना ज़रूरी होता है। अब इसके जो मेजरमेंट है इसका जो 9.5 इंच है यहाँ तक इसका जो है ये रेडी है। तो 1/2 इंच के लिए मैं सिलाई में एक्स्ट्रा लूँगी और इतना ही ये देखिए हल्का सा 5। अब 4.5 इसका था क्रॉस बैक था उस हिसाब से हम इसके नीचे ला के इसकी शेप करेंगे। इसकी चेस्ट जो थी वो मुझे इसका 11.5 इंच थी तो इसके लिए ये साइज बन गए। हम पूरे 11.5 पे निशान लगाएंगे और आगे जो बचेगा उसको हम जो है वो सिलाई में मार्जिन के तौर पे यूज़ कर लेंगे। अब मेरे पास तकरीबन 1/4 इंच बच रहा है और ये मेरा जो मेजरमेंट का साइज है वो यहाँ पर लग गया। यहाँ से हम इसकी ऐसे शेप कर देंगे हल्की से गुलाई करते हुए हम इस लाइन पर उसे मिला देंगे। यहाँ से हम 1/2 इंच की शेप करते हैं और ये शेप जो है वो हम नेक पॉइंट तक करते हैं। नेक जो है वो मैं 2 इंच का इसमें से लूँगी और यहाँ से हम इसको निशान को मिला देंगे। अब इसको इसमें कुछ चूँकि ज़्यादा कपड़ा नहीं है तो हम इधर से इतना मार्जिन कटिंग नहीं करेंगे बस हल्की सी इसमें से शेप दूंगी। अब ये योक जो है वो मेरे साइज़ के हिसाब से थोड़ी बड़ी है और ये 10 इंच तो मैं इसको शायद 8 इंच तक